My name is Mama. Mama, Mama, Mama. My name is Baby. Baby, Baby, Baby. Hello friends, Assalamualaikum. I hope you are doing great. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे. तो मैं आ गई हूँ नए व्लॉग के साथ. तो अभी मैं उठी थी तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बना लेती हूँ पहले ही आप लोगों के लिए. तो आज हमारे घर बन रही है कैरी की, जो पता नहीं क्या बनता है, गुड़म्मा पता नहीं क्या कहते हैं, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ. चलिए आइए. सो गाइस, ये है लोकेट. ये भी बन रही है. जब ये फुल बन जाएगी तो फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी. गर्मी आती नहीं है, सबके घर में ये सब बनना शुरू हो जाता है, कैरिया पता नहीं क्या क्या. सो फ्रेंड्स, मैं क्या कह रही थी कि हाँ, जब ये बनना शुरू, जबकि गर्मी आती नहीं कि कैरियों से ये सब बनना स्टार्ट हो जाता है. क्या कहते हैं, गुड़म्मा हो गया और अचार हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आई थिंक आप लोगों के घर पे भी बनती होगी. तो अभी 2 जून को मेरे छोटे कज़न की बर्थडे आ रही है, तो हम वो भी सेलिब्रेट करेंगे. और उसमें मैं आपको बिरयानी और खीर की रेसिपी आपको शेयर करूँगी इंशाल्लाह. गाइस, पीछे के बैकग्राउंड का जो शोर है और जो आवाज़ें आ रही हैं वो इग्नोर करते हैं. और मैं आपसे बातें करना चाह रही थी. तो हाँ, 2 जून को मेरी कज़न की बर्थडे है, तो हम वही सेलिब्रेट करेंगे. और आपको मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी कि पूरे दिन में क्या होता है उसके लिए. तो 2 जून को उसकी बर्थडे है, संडे का दिन होगा. तो इंशाल्लाह हम उसी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और बहुत मज़ा आएगा. मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी. और जैसा कि मैंने हर वीडियो पे आपको बोलती आ रही हूँ, इस वीडियो पे भी बोलूँगी कि अगर आपको अपना चैनल मोनेटाइज करना है या फिर अपने चैनल पे व्यूज़ लाने हैं या फिर अपने चैनल पर सब्सक्राइब लाने हैं, तो अब हमसे सबसे पहले कॉन्टेक्ट करें, हमारे ग्रुप का हिस्सा बने. और मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारे ग्रुप में ऐड होना है तो सबसे पहले हमसे हमारे हिस्से का हमारा हिस्सा बने, हमारे ग्रुप का हिस्सा बने. तो गाइस प्लीज़ जल्दी जल्दी आए. हर इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा इंशाल्लाह. हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इंशाल्लाह. अगर आप नए यूट्यूबर्स हैं, अभी व्लॉग बनाना स्टार्ट किए, वो भी आए हमसे क्वेश्चन करें, आंसर हम इंशाल्लाह जल्दी करें. सो अनाबिया भी उड़ गई थी, वो तो सुबह ही उठ जाती है, मैं तो अभी उठी थी. किस किस की रूटीन है देर से उठने की. मेरे घर में तो मुझे बहुत डांट पड़ती कि इतनी देर से क्यों उठती हो. खैर, ये तो मेरी आदत हो गई है अब तो. मैं ज़्यादा आज तो मैं फिर भी 1 बजे उठी हूँ ना, लेकिन मैं उठती भी 2-3 बजे हूँ. आप लोगों को सोच कर भी क्या छोड़. फ्रेंड्स, मैंने सारी बातें करने से पहले ये अभी चाट मसाला डाल रही हैं इसमें गुड़म्मा में. तो आइए देखिए, ये देखें खैर किस के घर में बनता है, ये सब कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा. ये डाल चुका है, अब इसका फाइनल लुक जब होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी. फिलहाल चलते हैं. और हाँ, जब ये फाइनल लुक हो जाएगा तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी. और हाँ, ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के घर में ये जो बनता है, हमारे घर में तो गुड़म्बा बोलते हैं, और आप लोगों के घर में क्या बोलते हैं, ये कमेंट सेक्शन में लास्ट भी बताइएगा. सो फ्रेंड्स, मेरी कज़न की जो बर्थडे आ रही है, तो मैं संडे 2 जून को, मैं संडे वाले दिन आपको पूरा रूटीन दिखाऊंगी इंशाल्लाह. और बर्थडे का पूरा रूटीन दिखाऊंगी कि सुबह से लेकर रात तक क्या होता है. और इसे फ्रेंड्स को आपको अभी गुड़म्मा का फाइनल लुक भी दिखाऊंगी. यानी मैं मुझे बोलते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है. आप लोगों के घर में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा. कोई अच्छा सा नाम तो मैं वही बोलना शुरू कर दूँ. खैर, तो 2 जून को मेरी कज़न की बर्थडे आ रही है, तो मैं इंशाल्लाह कमिंग सून इंशाल्लाह मैं आपको ब्लॉग दिखाऊँगी सुबह से लेकर रात तक क्या रूटीन होता है इंशाल्लाह. मैं आपको सब बताऊँगी इंशाल्लाह ब्लॉग में. और आप लोग भी कहते होंगे कि ये सिर्फ हाथ दिखाती है और कुछ एक्सप्लोर नहीं करती. इंशाल्लाह मैं आपको संडे वाले दिन हर चीज़ एक्सप्लोर करूँगी इंशाल्लाह. तो अब मैं चलती हूँ और अभी मैं फ्रेश वगैरह होंगी, नाश्ता करके, ब्रेकफास्ट करके, फिर मैं आपको ग्रैंडमा का फाइनल लुक दिखाती हूँ. ठीक है.
सो फ्रेंड्स, मैं नाश्ता वगैरह कर लेकर फ्रेश वगैरह हो गई थी और ये बहुत गर्म हो रहा है। इसका फाइनल लुक ये है। सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों के घर भी यही बनता है या इसका नाम क्या है। हमारे घर में तो सब गुड़म्मा बोलते, इतना अजीब सा नाम है, बियर्ड सा नाम है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं खाती भी नहीं हूँ ये। तो अब मैं चलती हूँ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए अच्छे से, इसी तरह प्यार करते रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।